फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर ब्लॉग। और दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज हम आए हैं यूपी में बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में नजीबाद शहर में सुल्ताना डाकू के किले पे, जो कि नजीबाद में स्थित है। तो फ्रेंड आइए अब अंदर चलते हैं और आपको इस किले के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। फ्रेंड इस किले को नजीबाद के नवाब नजीबुद्दौला ने सन 1955 के आसपास बनवाया था। नवाब नजीबुद्दौला मुगल शासक के टाइम में थे, जिनका असली नाम नजीम खां था। वह एक रोहिला पठान थे। तो गाइज ये इस किले का मुख्य दरवाजा है, जिसकी हाइट लगभग 60 फीट है। आप देख सकते हैं इस किले में जो है काफ़ी अच्छी नक्काशी करी गई है, जो कि बेहद ही खूबसूरत लगता है। आप आइए देखिए इसको किस तरह से दिखाई दे रहा है। ये गाइज इस किले को नवाब नजीबुद्दौला से अंग्रेज़ों ने इस किले पर हमला करके उनसे छीन लिया था, और बाद में सुल्ताना डाकू ने सन 1920 में इस किले पर अंग्रेज़ों को भगा के कब्जा कर लिया। स्थानीय लोग इस किले को सुल्ताना डाकू के किले के नाम से ही जानते हैं। और सुल्ताना डाकू के बारे में कहा जाता है कि वो कहीं भी डकैती डालने जाता था तो एक हफ्ता पहले ही आगाह कर देता था और चेतावनी पत्र भेज देता था। इस किले के दरवाजे के दोनों तरफ से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। आइए गाइस ऊपर चलते हैं और देखते हैं ऊपर क्या है। गाइज इसकी जो दीवारें हैं ये लगभग 10 फीट चौड़ी हैं, जिस पर एक फोर व्हीलर आराम से चल सकता है। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से इसकी दीवारों की चौड़ाई कितनी है। फ्रेंड्स ये जो किला है ये लखौरी ईंटों और पत्थरों से बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और जो फ्रेंड ये जो आप छोटे छोटे छेद देख रहे हैं, इसमें से जो सैनिक होते थे वो अपने बंदूकों से नीचे से अगर कोई चढ़ाई करता था तो उन पर हमला करते थे। और गाइस जो आप ये देख रहे हैं, आप यहाँ तोप रखे जाते थे और तोपों के द्वारा अपने दुश्मनों पर यहाँ से हमला किया जाता था। कोई भी दुश्मन इस किले पर चढ़ाई करता था तो उसको मुंह तोड़ जवाब देते थे यहाँ तोपों के द्वारा। गाइज ये काफी ऐतिहासिक और खूबसूरत किला है, आप देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर किला बना हुआ है, लेकिन इसका देख रेख ना करने की वजह से ये काफ़ी जर्जर अवस्था में पहुंच गया है। आइए और दिखाते हैं आपको। तो गाइज इस किले के बीचों बीच एक एक छोटा सा तालाब बना हुआ है, जिसमें वहाँ के जो सैनिक होते थे किले के वो नहाने के लिए और अपने घोड़ों को धोने वगैरह के लिए यूज करते थे इस तालाब का। एक चीज़ और कहा जाता है इस तालाब के बारे में कि इसका पानी कभी सूखता नहीं है। आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत पानी अभी भी है,
और कहा जाता है कि सुल्ताना डाकू ने अपना जितना भी खजाना लूटा था सब यहीं छुपाया था, जो कि आज तक मिल नहीं पाया। और गाइज यहाँ एक चीज़ और कहा जाता है कि सुल्ताना डाकू ने कभी गरीबों को नहीं सताया और उनका एक कौड़ी तक नहीं लूटा, बल्कि सुल्ताना डाकू के दिल में गरीबों के लिए काफ़ी जगह थी। वो अमीरों से लूट कर गरीबों में बांट दिया करता था खजाना। गाइज अंत में सुल्ताना डाकू का आतंक इतना ज़्यादा हो गया था कि अंग्रेज भी काफ़ी उससे परेशान हो गए थे और अंत में सुल्ताना डाकू को पकड़ लिया गया और उसको फांसी पर लटका दिया गया। इस तरह सुल्ताना डाकू का अंत हो गया। तो फ्रेंड आज का जो ब्लॉग है यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।